सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी मैंने कुछ टाइम के बाद पालमपुर के लिए निकलना है, तो फाइनली आज हम पालमपुर के लिए जा रहे हैं। वो पालमपुर जाने के लिए हमने जो रास्ता चुना है वो नंगल से होते हुए बंगाणा से और फिर सुजानपुर से और फिर पालमपुर तक जाएगा। इस रास्ते से अगर आपको कभी जाने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस रास्ते में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इस रास्ते से जाते टाइम हमारा मन कर रहा था कि सभी जगह पर रुक के शॉट लिए जाएं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही अच्छी सुप्रीम लोकेशंस थी जिनके शॉट मैं अभी आपको अगली फ्रेम में शेयर करूँगा। अभी कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद हमने सोचा अभी आगे बढ़ चलते हैं, क्योंकि अभी पालमपुर काफ़ी दूर है और अगर यहीं इसी तरह से रिकॉर्डिंग करते रहे तो पालमपुर पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो जाएगा। और अभी तो मौसम साफ है, इस मौसम में हम जितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मौसम का आजकल कोई पता नहीं होता। आजकल बरसात का मौसम है, मौसम कब मिजाज बदल जाए कोई पता नहीं चलता है। तो रास्ते में देखिए कितने अच्छे अच्छे चील के पेड़ दिख रहे हैं, और आगे जाने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारे साथ कितने अमेजिंग चीज़ें हुई हैं जिनको आप आगे देखेंगे। तो अभी जिस जगह पे हम पहुंचे हैं, यहाँ से पालमपुर लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें जो जो विजुअल्स दिखे हैं उन्हें हम अपने कैमरा में कैद किए बिना नहीं रह पाए। आप भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि आपने जस्टिफिकेशन की है इन चीज़ों को अपनी वीडियो में ऐड करके। तो देखिए ये शॉट्स, यहाँ पे लोकेशन कितनी प्यारी थी और यहाँ के विजुअल्स आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो हम जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे हमारी नज़र पड़ी लेफ्ट में इस लोकेशन पर, और हमने सोचा कि हम इस लोकेशन को भी अपने व्यूअर्स तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और यहाँ लोकल्स से हमने इसका रास्ता पूछा और यहाँ पे जाके हमने इसके भी शॉट्स लिए हैं। तो ये जगह मेन रोड से थोड़ा हटके थी और इसके लिए इस गली में जाना पड़ता है, जो कि आगे जाकर ये पुल जो है 200 या 300 मीटर की दूरी पर होगा। और इसके लिए जो रास्ता है इसी गलियारे से निकलता है, और साथ में आगे जाके पुल पर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक और अमेजिंग चीज़ दिखी जो कि इस पुल से ठीक नीचे थी। तो उसका रास्ता हमें ढूंढने पे पहले तो मिला नहीं, लेकिन उसके बाद यहाँ से एक लोकल आदमी गुजर रहा था तो यहाँ पे उससे मैंने रास्ता पूछा कि उस नीचे वाली लोकेशन के लिए रास्ता कहाँ से जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पीछे जो झाड़ियों में से जो रास्ता जा रहा है आप उसमें से जाके उस लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए आप जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन की तरफ, जिसका रास्ता आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि आप कहाँ कहाँ से गए हैं। Some sort of pain, you caused a permanent stain.
game, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Oh. बाद हम जैसे यहाँ से निकलने वाले थे, हमारी बाइक पीछे से गिर गई थी और उसका एक क्लच लीवर टूट गया था। तो हमें आसपास पता करने में पता चला कि अभी आसपास में कोई भी मैकेनिक नहीं है। काफ़ी ढूंढने के बाद इन अंकल की शॉप हमें मिली और इनको हमने बताया कि हमारी बाइक का क्लच लीवर टूट गया है। तो इन्होंने अपने जादुई थैले में से हमारा क्लच लीवर निकाला और उसके ऊपर हमारी बाइक पर लगा दिया और फिर चलिए हम चलते हैं। अब हमारी बाइक का क्लच लीवर हो गया है बिल्कुल ठीक और अभी सफ़र में बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी यहाँ तक पहुँचते मौसम अपनी करवट बदल चुका था और आप देख सकते हैं ऊपर बादल भी घिर चुके हैं और मेरे कैमरा पे भी बारिश हल्की हल्की गिरने लग गई थी। और मैंने सोचा क्यों ना इस रेन शेल्टर पे रुका जाए, लेकिन उसी टाइम पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चलो अभी बारिश थोड़ी थोड़ी लगी हुई है तो आगे चल के देखा जाए, शायद इतनी ही रहे तो हम सूखे सूखे ही पालमपुर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी मैं हार्डली 100 या 150 मीटर ही गया होऊंगा और उसके बाद ही पता चल गया कि मैंने ये जो डिसीजन ले लिया है ये बिल्कुल रॉन्ग है। और देखिए अभी यहीं से मुझे बिल्कुल वापस मुड़ना पड़ गया है। जिस स्पीड से आया हूँ उससे 1.5 गुना ज़्यादा रफ्तार से मैं वापस गया हूँ और फिर से उसी रेन शेल्टर पे मुझे रुकना पड़ गया है। तो करीब 1 घंटे की बारिश के बाद आखिरकार मौसम ठीक हो गया और हमने अपनी बाइक उठाई और भगवान का नाम लेते हुए आगे की तरफ चल दिए कि हे भगवान अभी आगे मौसम ठीक रखना क्योंकि हमें पालमपुर तक पहुंचना है, ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से हम रास्ते में ही रह जाएं। और फाइनली ऐसा हुआ भी, भगवान ने हमारी सुन ली और फाइनली उसके बाद मौसम साफ हो गया और हम हैप्पीली आगे की तरफ बढ़ दिए। और यहाँ तक पहुँचते हमने काफ़ी चीज़ें झेली थी और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे रास्ते में, जिन्हें पार करके हम जब फाइनली पालमपुर पहुंच गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि हमने इतने हर्डल्स पार कर दिए हैं और अभी फाइनली हम पालमपुर पहुंच गए हैं। तो अभी जिस जगह पे हम पहुंचे हैं इस जगह का नाम नागणी है और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ से लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी चलिए चलते हैं आगे और पहुँचते हैं पालमपुर की तरफ। तो इतने सारे टाइम की बारिश के बाद अभी फाइनली देखिए कितनी अच्छी धूप जो है पालमपुर में खिली है और अभी हम पहुंचने वाले हैं द वंडर सिटी पालमपुर में। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये धूप और इस धूप में जब वादियां जो दिखती हैं वो इतनी प्यारी लगती हैं कि क्या ही बताएं। तो अभी हम पहुँचे हैं ठाकुर द्वारा में, ठाकुर द्वारा से हमें जस्ट राइट मुड़ना है और यहाँ से लगभग पालमपुर बस स्टैंड 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है साइड की सारी वादियाँ और रास्ता भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि बाइक राइड करने का मज़ा ही आ जा रहा है। तो अभी थोड़ा थ्रॉटल देते हैं बाइक को और देखते हैं मज़े करके। तो रास्ते में आगे जाते जाते मुझे चाय के बाग भी दिख गए, तो वहाँ पे लकीली लेडीज़ भी जो हैं चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी और ये बहुत ही रेयर होता है कि हमें कैप्चर करने को मिलता है। तो मैं
बहुत ही खुशनसीब था कि आज मुझे उन्हें भी कैप्चर करने का मौका मिला। तो देख तो अभी फाइनली हम पालमपुर में पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे रह के मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ पे शूट करूँगा जो भी यहाँ पे मोस्ट फेमस लोकेशंस होंगी। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल के लोगो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके जब हम वीडियो को अपलोड करें।